नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति की बात करें तो आज नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा जब उनकी पार्टी के विधायक अभय कुशवाहा ने उनकी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जेडीयू जब से एनडीए खेमे में आई है तब से उनको लेकर के लगातार चर्चाएं जारी हैं कि जेडीयू के तमाम विधायक यहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को सहज स्थिति में महसूस नहीं कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। जिस तरीके से ललन सिंह को लेकर के मुंगेर सीट से खबरें सामने आ रही हैं कि ललन सिंह को जेडीयू मुंगेर सीट से मैदान में नहीं उतारना चाहती है, चुनाव नहीं लड़वाना चाहती है, ऐसे में ललन सिंह की बगावत की खबरें भी जोरों पर है। वहां अशोक महतो नामक एक युवक ने अपना ताल ठोक दिया है और उनका कहना है कि मुंगेर सीट से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीलम देवी के नाम पर भी कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आ रही है। और अब अभय कुशवाहा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दिया है उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर मिला और बिहार की औरंगाबाद सीट देने की बात हुई। यानी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का जो फैसला लिया गया है यहाँ पर एनडीए गठबंधन के द्वारा, वह फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को महंगा साबित हो सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव है यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ जेडीयू की बात की जाए, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीटें दी गई। जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट पर संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। वही पशुपति पारस जिनके पास 5 सांसद और मुकेश सहनी जो निषादों की राजनीति करते हैं उनको एक भी सीट ना देने का फैसला कर लिया गया है। अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव जो कि दहलीज पर आ चुके हैं और आगामी 70 दिनों के बाद चुनाव संपन्न होने वाले हैं, ऐसे में लगातार जो कोशिशें चल रही है, लगातार जो घटनाक्रम घटित होता नजर आ रहा है, उस घटनाक्रम पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार के जिस तरीके से विधायक छोड़कर के उनकी पार्टी को जा रहे हैं ये उनके लिए एक बड़ा आघात हो सकता है। क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी ये पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। यानी नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने जिस वक्त सरकार नहीं बनी थी उस वक्त एक बड़ा बयान दिया था कि नीतीश कुमार यदि हमारे साथ आएंगे तो एक ही शर्त पर कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी कि पूरा जो रस्साकसी का खेल है वो बिहार की राजनीति और सीएम की कुर्सी को लेकर चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, उसके बाद तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के बड़े दिग्गज नेता हैं, लालू परिवार के छोटे बेटे हैं और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर के कुछ खास तीखे तेवर नहीं दिखाए हैं। यानी कि साफ तौर पर ये कोशिशें की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि आगामी वक्त में कोई बड़ा फैसला यहाँ पर आरजेडी ले सकती है, जबकि जेडीयू की तरफ से भी ये संभावनाएं जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बिहार में फिर से सरकार बनाने के लिए आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जाएंगे और क्या अपने सीएम की कुर्सी को बचा पाएंगे, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से उन्होंने बगावत की है उससे पहले कहा था कि बीजेपी हमारे संगठन पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसलिए हम बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रह सकते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।